Hello everyone, this is Devang Katikar from DK Talks. I hope that you all are doing well. So, after the second battle of Panipat, Mughals got an entire supremacy over the northern part of India. West Punjab se lekar East Bengal tak, ye pura ka pura jo fertile patch tha India ka, sabse fertile patch, wo Mughals ke under aa chuka tha. भैरम खान को हज की यात्रा पर भेजने के बाद मुगल एम्पायर के जो पूरे कंट्रोल्स थे, ऑपरेशनल कंट्रोल्स थे, वो अकबर के हाथ में आ गए थे. और तब अकबर सिर्फ 23 साल के थे. अकबर ने एम्पायर का एक्सपेंशन चालू किया. मुगल एम्पायर को सबसे ज्यादा अकबर ने ही इंडिया में एक्सपेंड किया. लेकिन अकबर की जो तकनीक थी वो कुछ अलग थी. वॉर करने के बजाय अकबर ने जो है वो एक छत्र छाया का जो उनका एक मेथड था वो चूज किया. मुगल एम्पायर के साउथ में दो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे इंडिया में जो रूल कर रहे थे. एक थे जो मारवाड़ के राजपूत थे और दूसरे थे जो मेवाड़ के राजपूत थे. अकबर ने मारवाड़ के जो राजपूत थे वहां पे फरमान भेज दिया कि जो जो राजा अकबर की छत्रछाया के नीचे आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, जिसके बाद मुगल सैनिक उनको किसी भी आक्रमण से बचाएंगे. बहुत सारे राजपूतों ने मारवाड़ के इस चीज का स्वीकार कर लिया और उसके बाद वो अकबर की छत्रछाया के नीचे आ गए, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर बहुत एक्सपैंड हो गया. जिन मारवाड़ के राजपूतों ने इस बात को मना किया वहां पे युद्ध हुआ और जहां पे उसके बाद बहुत सारे मारवाड़ के राजपूतों को ये बात स्वीकारनी पड़ी. आमेर की राजकुमारी जब जोधा थी उसका जो विवाह था वो अकबर से हो गया, उसके बाद बहुत सारे बाकी के राजपूतों ने एक जो फैमिलराइज करने की ये जो टेक्निक थी कि अकबर के साथ ऐसे नाते जोड़ लिए जाए जिसके बाद मुगल्स हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे. दे ऑप्टेड टू दिस मेथड, बट ड्यू टू दिस अकबर का जो मुगल एम्पायर था वो बहुत एक्सपैंड हो गया. बट मेवाड़ के राजपूत कहां मानने वाले थे. राणा संघा ने अकबर की इस बात को मना कर दिया, जिसके बाद अकबर के इंडिया जीतने के सपने के बीच में सबसे बड़ी बाधा बन के राणा संघा सामने आ रहे थे. राणा संघा के बाद महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के अगले राजा बन गए. अकबर जो था, अकबर का जो रेवेन्यू आता था मुगल एम्पायर का वो मेनली ट्रेडिंग से आता था जो वो सी रूट के द्वारा करते थे. मुगल्स का कैपिटल जब दिल्ली हुआ करता था तो दिल्ली से लेकर गुजरात तक उनको बाय लैंड आना पड़ता था, जिसके बाद वो शिप्स के जरिए ट्रेड करते थे. दिल्ली और गुजरात के बीच में मेवाड़ के राजपूत अकबर के लिए एक बहुत बड़ी बाधा थे. अकबर को लगा कि अगर इस मेवाड़ को मैं जीत लूं, इन राजपूतों को, मेवाड़ के राजपूतों को मैं हरा दूं, तो उसके बाद मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, जो बात बिल्कुल सही थी. तो अकबर ने तय कर लिया कि मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करना है. राणा संघा के बाद जो महाराणा उदय सिंह थे जो मेवाड़ के अगले राजा बन गए वो तब चित्तौड़ में थे. चित्तौड़ जो था वो मेवाड़ की राजधानी थी. अकबर ने तय कर लिया कि चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करके राजपूतों का मेवाड़ में सफाया किया जाए, जिसके बाद अकबर अपनी खुद की आर्मी लेकर चित्तौड़ के तरफ निकल पड़े अगस्त के महीने में. और उन्होंने अक्टूबर और नवंबर के बीच में कहीं चित्तौड़ को सीज डाल दिया. अगर चित्तौड़ को आप देखें तो चित्तौड़ की जो टोपोग्राफी है वो बहुत ही अलग है. चित्तौड़ के जो एक साइड है पीछे वो तो पूरे के पूरे वहां पे माउंटेन्स है, और बाकी की जो तीन साइड है वहां पे प्लेन लैंड है.
लेकिन ये जो थ्री साइड्स थी वहां पे चित्तौड़ के किले के यहाँ पे उनकी फोर्टनेस में जाने के लिए बीच में उनके 8 levels ऑफ गेट्स थे। अकबर ने चित्तौड़ को तीनों साइड्स से सीज कर लिया था। चित्तौड़ की दीवारें टूटना इतना आसान नहीं थी। अकबर ने उनकी जो आर्टिलरी थी, उनकी जो तोपे थी, वो एक रेत के माउंटेन के ऊपर रख दी थी, जिसके बाद नवंबर में अकबर ने फायर ओपन किया। आर्टिलरी फायर से चित्तौड़ की दीवारें तो नहीं ढहने वाली थी। चित्तौड़ के ऊपर से बहुत ज्यादा रिटेलिएशन आ गया, जिसकी वजह से अकबर को काफी कैजुअलिटीज फेस करनी पड़ी। अकबर ने उसके बाद एक तय किया कि क्यों ना मैं एक अंडरग्राउंड पाथवे बना लूं चित्तौड़ की दीवार के नीचे जाके, और वहां पे एक एक्सप्लोजन कर दूं, जिसकी वजह से एक दीवार ढह जाएगी और जिसके बाद चित्तौड़ के किले को बहुत ज्यादा नुकसान होगा और उसके बाद मेरी आर्मी अंदर जा सकती। लेकिन इस मेथड को अपनाने की बदौलत अकबर की आर्मी को बहुत बड़ी कैजुअलिटी फेस करनी पड़ी, क्योंकि जब आर्मी वहां पे एक्सप्लोजन कर रही थी, वो एक्सप्लोजन की जगह पे एक मिसहैप हो गया, जिसके वजह से जो बॉम्ब था वो बहुत पहले ही डेटोनेट हो गया। अगर बॉम्ब पहले ही एक्सप्लोड हो जाए तो आपके जो सैनिक वहां पे गए हैं वो भी मर जाते हैं। तो अकबर को इसकी वजह से बहुत हेवी कैजुअलिटीज फेस करनी पड़ी, लेकिन चित्तौड़ को खास इतना बहुत नुकसान नहीं होता था। चित्तौड़ के पास इस जो सीज है, ये जो सीज है, इसको रोकने के लिए, इसको सहन करने के लिए अंदर बहुत सारी भोजन सामग्री थी। चित्तौड़ वॉज रेडी टू वेट टिल अकबर हैड हिज लास्ट ब्रेथ स्टैंडिंग विद अ विजन टू कॉन्कर चित्तौड़। लेकिन कयामत में तो कुछ और ही लिखा हुआ था। अकबर जो थे वो क्रैक शॉट थे। एक रात अकबर, उनका जो एक वॉच टावर था उसके वहां पे हाथ में बंदूक लिए पहरा दे रहे थे, और उनकी दूरबीन से उनको दिखा कि चित्तौड़ के किले के ऊपर कोई एक आदमी खड़ा है जो बाकी के लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। अकबर को क्या पता, ऐसा लगा कि यह आदमी बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, और अकबर ने उनकी जो बंदूक है वो लेके शूट कर दिया। वो आदमी जो मर गया वो था जयमल राठौर। जयमल राठौर चित्तौड़ के आर्मी का कमांडर इन चीफ था। जब अकबर ने चित्तौड़ को सीज डाल दिया था तीनों साइड से, तब उदय सिंह की और जयमल की ये बात हो गई थी कि महाराणा जी, जयमल ने उदय सिंह से कहा था कि महाराणा जी अगर आप नहीं रहे तो आगे इस स्वराज्य की जो एक अग्नि है इसको जलाए रखने के लिए कोई नहीं रहेगा, आप यहां से निकल जाइए, चित्तौड़ से निकल जाइए और मैं यहां पे मोर्चा हैंडल करूंगा। जिसके बाद बहुत कन्विंस करने के बाद, बहुत हाथ जोड़ने के बाद, आखिर महाराणा उदय सिंह उनके परिवार समेत चित्तौड़ से निकल गए थे और वहां पे उदयपुर के पहाड़ियों में जाके वो रह रहे थे। तो चित्तौड़ के गढ़ में जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी था, जो पूरा बैटल हैंडल कर रहा था, वो था जयमल राठौर, जिसको गोली लग गई थी। और जयमल राठौर को जब गोली लग गई तो अकबर को पता था कि इसको गोली लगने ही वाली है, क्योंकि अकबर वॉज अ क्रैक शॉट, अकबर का निशाना कभी नहीं चुकता था। अगले दिन सुबह 6 बजे चित्तौड़ से लपटों की आवाज आ गई, लपटे नजर आ गई, जिसमें 600 औरतों ने चित्तौड़ के अंदर जौहर कर लिया था। यह दूसरा जौहर था जो चित्तौड़ का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट या सबसे बुरा इवेंट माना जाता है। इसके बाद रजपूत केसरिया बाना पहन के वो मुंह में तुलसी रख के बाहर आ गए, जिसके बाद अकबर तो खड़ा ही था वहां पे अपनी बड़ी सेना लेके हुए। तो अकबर और चित्तौड़ से जो लोग आए थे उनमें युद्ध हो गया, जिसके बाद अकबर ने क्लीन स्वीप करके बहुत सारे रजपूतों को मार दिया, जिसके बाद अकबर अपनी पूरी आर्मी लेके चित्तौड़ के अंदर चला। इसके बाद जो हुआ वो अकबर की पूरी कारकिर्द पे एक बहुत ही बड़ा धब्बा है।
अकबर ने चित्तौड़ के अंदर जाने के बाद उसकी आर्मी को कत्लेआम करने की इजाजत दे दी, जिसके बाद चित्तौड़ के किले में 30,000 कॉमन हिंदूज का कत्लेआम हो गया अकबर की नजर के सामने, लेकिन उसकी इजाजत तो अकबर ने ही दी थी। बहुत सारे हिस्टोरियंस या बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अकबर वॉज वेरी जेंटल टूवर्ड्स हिंदूज, बट इस इवेंट से इस सेंटेंस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो ये हो गया कि अकबर ने चित्तौड़ तो ले लिया था, लेकिन महाराणा उदय सिंह अभी भी अग्नि जीवित रख रहे थे, उस स्वराज की अग्नि जिसे उन्होंने देखा था। महाराणा उदय सिंह के बाद उनके बेटे महाराणा प्रताप सिंह मेवाड़ के अगले राजा बन गए। महाराणा प्रताप और अकबर की बहुत सारी रोचक कहानियां, बहुत सारी रोचक हिस्टोरिकल टेल्स आगे आने वाली है, जिसके बारे में आपको बताऊंगा। बहुत सारे बैटल्स है, बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस है, बट अभी के लिए लेट मी स्टॉप राइट हियर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग।